और बड़े ही कठोर शब्दों में कहना चाहता हूं, जो लोग को यह सपना देख रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम खड़ा होकर भाजपा को मदद कर देंगे, वोट काट लेंगे, तो मुंगेरी लाल को वो सपना देख रहे हो, संभव नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने ए टू जेड की पार्टी बनाई है। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, औरत हो, मर्द हो, माई के साथ साथ बाप की चर्चा की है, बहुजन की चर्चा की है, आधी आबादी की चर्चा की है, अगड़ा की चर्चा की है, पुअर की चर्चा की है। काम करने वाले जो कहते हैं जो करते हैं, हिंदुस्तान का सर्वे मेरा सर्वे नहीं है, इस देश के अंदर में टॉप 10 यूथ लीडरों में अगर किसी व्यक्ति के बारे में रेखांकित किया गया है, लिखा गया है, तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है, जिसके अंदर न ऊंच है न नीच है, न जात है न पात है, जिनके कार्यों में सार्वभौमता है, एक्शन में सार्वभौमता के भाव है, जिसके लाभ हर को मिलता है। 17 महीना में जो नौकरियां मिली, क्या कोई गांव कोई कस्बा बता दे कौन ऐसा जाति है जिसका उसको लाभ नहीं मिला? कोई कहीं पेपर लीक हुआ क्या 17 महीना में? कोई चर्चा हुई क्या? पेपर की चर्चा नहीं हुई, लेकिन सत्ता से हटने के बाद तुरंत ही पेपर की चर्चा होने लगी, पेपर लीक की चर्चा होने लगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या भाजपा शासित कोई राज्य हो। वो कहते हैं कि 17 महीना है, बताइए जाति गणना का संकल्प किसका था? हर एक व्यक्ति जानता है नौकरी किसने कहा था। 2020 में आप लोग याद होगा, नवादा का साथियों को याद होगा, हर सभा में तेजस्वी जी बोलते थे कि हम आएंगे तो पहली कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख नौकरी देंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद। मुख्यमंत्री बनने से चूक गए, बावजूद भी सत्ता कतिपय कारणों से, कई चीजों को कारणों से अगर बनी, फिर भी 5 लाख नौकरी 17 महीने में देने का काम किया। एक तेजस्वी जी है जो कहते हैं जो करते हैं। तेजस्वी वो व्यक्तित्व है, वो नेता है, जिनके मुखमंडल से कभी आपने कभी हंसने के सिवा कभी आपने कोई मलिन भाव नहीं देखा होगा। पूरा उत्तर उठा करके देख लिए, दक्षिण बिहार से लेकर के उत्तर बिहार तक में टिकट के बंटवारे में, चाहे आधी आबादी महिला का सवाल हो, अगड़ा का सवाल हो, पिछड़ा का सवाल हो, अतम पिछड़ा का सवाल हो, दलित का सवाल हो, हर सवालों पर ध्यान देते हुए हर को एक वाजिब हक देकर करके ए टू जेड को स्थापित करने का काम किया। नवादा में कई तरह की चीजें, कई लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछना चाहते, आप ही पूछे, प्रधानमंत्री जी आए थे, कोई कोडरमा से गाड़ी आ रहा था, कोई शेखपुरा से, नालंदा से भी आ रहा था गाड़ी बस भर करके। नवादा के बारे में एक चर्चा प्रधानमंत्री जी ने किया? नवादा के बारे में एक चर्चा नहीं किया। बिहार के विकास के लिए चर्चा की, नवादा जिला की चर्चा की, बिहार के विशेष पैकेज की बात की, विशेष स्टेटस की बात की, नहीं की। वो क्या चर्चा कर रहे हैं? जिस पार्टी को जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू के बारे में मुजफ्फरपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जनता का दमन और उत्पीड़न वाली पार्टी जनता दल यू है, बीएनए को गाली दी थी, उसी मुख्यमंत्री से पैर छुड़वा रहे थे, नवादा के कार्यक्रमों में पैर छुड़वा रहे थे। कहां चले गए मुख्यमंत्री जी? क्या हो गया? उम्र के इस पड़ाव पर आप भले ही झुक सकते हैं, लेकिन बिहार के लोग बिहारी भावना को, बिहारी अस्मिता को झुकने नहीं देगा, ये संकल्प बिहारियों ने ठान लिया। जाति गणना होने के बाद चाहे पिछड़ा हो तो पिछड़ा हो, दलित हो महादलित हो, अगड़ा हो, क्या उसको लाभ मिला कि नहीं मिला? आरक्षण का दायरा बिहार में 65% हुआ कि नहीं हुआ? जो संकल्प जो कहा सो किया। सर्वन कुशवाहा जी को अगर बनाया गया प्रत्याशी तो ए टू जेड का है। जो लोग ये समझते, कुछ लोग कल तक समझते थे, नारा लगाते थे कि राजद का मतलब फलना है आदमी, नहीं, राजद का मतलब हर युवा, हर किसान, हर मजदूर, औरत, मर्द, हर व्यक्ति की राजद है। युवाओं का बल है, किसानों का बल है, गरीबों का बल है, नौजवानों का बल है, महिलाओं का बल है, राष्ट्रीय जनता दल है।
आप क्या सोचते हैं कि किसी की पार्टी है क्या? पार्टी अदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा की है। सामाजिक न्याय कोई जात नहीं होता, माफ करना जो लोग गलती है आप लोग को भरमाते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, जो वंचित है अंतिम पंक्तियों में है उनको मुख्यधारा में लाना, कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यधारा में जोड़ने का नाम ही सामाजिक न्याय होता है। जाति गणना के बाद जो आए आंकड़े आए उन आंकड़ों के संदर्भ में आदरणीय तेजस्वी जी ने जोर देकर के कहा क्या खेल के सशक्तिकरण के लिए, इंपावरमेंट के लिए कोई कार्यक्रम तो करना ही पड़ेगा। जिनकी मासिक आय, जिनकी वार्षिक और मासिक आय, अगर मासिक आय 6000 से कम है उस परिवार को बढ़ाने के लिए 2 लाख देने का निर्णय लिया ताकि वो स्वावलंबी बन सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सरकारें बदली उसकी परवाह नहीं। कई जगह तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया और जो मुख्यमंत्री साष्टांग दंडवत हो गए उनको हाईजेक कर लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री हाईजेक हो गए। साथियों आदरणीय सर्वेंद्र कुशवाहा जी को जो आपके सामने प्रत्याशी के रूप में आदरणीय तेजस्वी जी ने भेजा है, इस चर्चा से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग चर्चा कर रहे थे, जो तोड़ेगा राजद को ना वो खुद ही टूट जाएगा। ये बात मैं डंक की चोट पर कह देना चाहता हूं। राजद को जिसने आज तक तोड़ने की कोशिश की वो खुद ही मिट्टी में मिल गया, मिट्टी भी नसीब नहीं हुआ। राजद सबकी है, हर जाति हर धर्म हर मजहब के मानने वाले लोगों का है। राजद के बारे में जो लोग गलत व्याख्या करने की कोशिश करते हैं नजदीक से देखेंगे तब पता चलेगा। कई लोग हो सकते हैं समाज में हर जगह, लेकिन नवादा जिला के मान और सम्मान को ध्यान में रख करके हर बार हम लोग दे रहे थे टिकट किन्हीं को, असफलताएं हाथ लग रही थी, लेकिन जब गुणनफल निकालने के बाद ये मामला सामने तेजस्वी जी के सामने पहुंचा और उन्हें विचार के अंदर लालू प्रसाद जी ने दोनों ने मिलकर के सर्वर कुशवाहा को बुलाया और कहा कुशवाहा का बेटा ही नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद होगा, ये मेरा निर्णय है। और ये निर्णय लेने के पहले सबसे सब लोगों से बातें की गई, सबसे बात कर करके बारी बारी से कही गई। आज लोग मुकर जाए भले ही अलग बात है, खुन्नस में कोई कहीं जाकर के किसी से मिल जाए वो कहीं अलग बात है, खुन्नस में कोई दूसरे दल का झंडा गाड़ी में रख ले और रात में पकड़ा जाए मजिस्ट्रेट चेकिंग में वो अलग बात है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग सर्वन कुशवाहा जी को जब हाथों को मजबूत करिएगा तो आने वाले कल में किसी पार्टी के अंदर ताकत नहीं होगी कि नवादा जिला में बाहर से कोई प्रत्याशी भेजने का काम करे। नवादा का ही बेटा फिर पे सामने खड़ा होगा, हर पार्टी की मजबूरी बनेगी। ये निर्णय आपको लेना है। पिछड़ा की बात करते हो, भारत सरकार में कितने सेक्रेटरी है बता दो। 1% भी सेक्रेटरी अकाउंट पिछड़ा का नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो बैठे हैं केंद्र सरकार में, शिक्षण संस्थानों में नहीं है। किसकी चर्चा करना चाहते हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? 70 वर्षों में अगर देश पर 63 लाख करोड़ का कर्ज था तो आज 10 वर्षों में 173 लाख करोड़ देश पर कर्ज कैसे हो गया वो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था। नवादा में आकर बैंक अगर 12 लाख करोड़ का एनपीए का रास्ता अख्तियार कर लिया है, ये बात मोदी जी के जुबान से नहीं निकली। हमने एक सवाल पूछा था आने के पहले कि प्रधानमंत्री जी बताइएगा कि बिहार का गांव किसान मजदूर का बेटा जो कमाता है पेट काट करके बैंकों में पैसा जमा करता है 27 लाख करोड़ रुपया, गुजरात में बिहार का पैसा खर्च हो रहा है, बड़ा अमाउंट निकालने जब जाता है बिहार के लोग अपना रखा हुआ पैसा तो बैंक आनाकानी करते हुए पैसे कहां गए, गुजरात में खर्च हो रहे। क्या प्रधानमंत्री ने जवाब दिया? एक सवाल बताएं, 5 ऐसा काम देश के प्रधानमंत्री बताएं नफरत की दीवार खड़ा करने के बजाय, धर्म धर्म और मजहब में विवाद कराने के बजाय युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, आम और आवाम के लिए क्या किया, महंगाई कम करने के लिए क्या किया, सिलेंडर की कीमत पर आंसू बहाने वाले लोग,
आज 1000 रुपया पार कर गया, फिर भी मुंह से महंगाई का मत शब्द भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलता। डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी है, लेकिन जो चेहरा हर पेट्रोल पंप पर दिख रहा है उस महंगाई को चिढ़ाता हुआ चेहरा है। पेट्रोल पंप पर भी अपना चेहरा लगा दिए महंगाई बढ़ा करके। डीजल पेट्रोल की कीमत पर पूरे देश में आंदोलन होता था, कई मंत्री हैं नाम नहीं लेंगे, जो खड़ा हो जाती थी दिल्ली की सड़कों पर, आज तो चुप है। तो 5 काम बताए प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बताए 5 काम जो देश के विकास के लिए हुआ, आम और आवाम के लिए हुआ, किसानों के लिए हुआ, किसानों के एमएसपी के सवाल पर हुआ, महंगाई कम करने के सवाल पर, डेवलपमेंट फॉर होम। एक क्वेश्चन अगर रेज होगा सामने, विकास किसके लिए? किसानों के कर्ज माफ नहीं होंगे। 2004 में आदरणीय लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया था। अब तो रेलवे को बेच दिया जी, रेल बेचा, सेल बेचा, लाइंस बेचा, बंदरगाह बेचा, बीएसएनएल बेचा। अब तो बेचने वालों में से हो, ईमानदारी से कबूल करके बताओ कि रेल को बेच दिया, लेकिन जरा एक बात तो बता दो देशवासियों को भैया, किसानों के कर्ज माफ किए? लाखों हजार करोड़ पूंजीपतियों के कर्ज माफ हो रहा है इस देश के अंदर में। 70,000 करोड़ 2004 में मनमोहन सिंह के समय में किसानों के कर्ज माफ हुए थे, इनके समय पूंजीपति का होता है। आम आदमी का केसीसी के लिए भी कर्ज उठाए जा रहे हैं, केसीसी वाला के यहाँ भी पुलिस भेजा जा रहा है। किसान की बात करोगे नहीं, नौजवान की बात करोगे नहीं, नौजवान अगर 4 बजे भोर में दौड़ करके अपना शारीरिक परिश्रम कर करके अगर देश की सेवा करने के लिए जाता है, वहां तुम अग्निवीर थोपते हो, वहां भी तुम अग्निवीर थोपते हो। तो विकास किसके लिए? सिर्फ स्लोगन से, सिर्फ नारों से, झूठ का प्रचार, झूठ का मार, झूठ का भंडार, झूठ की कतार, यही है मोदी सरकार। प्रतिदिन एक झूठ, हर एक दिन झूठ, हर एक नया झूठ। झूठ बन बोलने का अगर कोई भंडार है तो भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा आपको फैक्ट्री नहीं मिलेगा, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मिलेगा। होलसेलर भी है, डीलर भी है, रिटेलर भी है झूठ के मामले में। इसलिए साथियों, हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपका बेटा ये है, आपके बीच का है, कौन क्या बोल रहा है, कोई कसम खा रहा हराने का, कोई कह रहा है कि हम जीतेंगे, कोई कह रहा है हराएंगे। आ इसी बीच में सब नवादावासियों ने ठान लिया कि भाई ये बात तो अभी चलने वाला नहीं है, अब नवादा की भावना नवादा के साथ है, चाहे वो किसी जाति वर्ग धर्म के लोग हैं। हमको तो कई लोगों से बात हुई जो दल में नहीं है, वो लोग, उन लोगों ने कहा कि इस बार कोई मानने वाला बात नहीं है, ये लाख उपाय कर ले, अब की बार भाजपा तड़ी पा। बाहर से आए हैं, बाहर ही जाएंगे, इस बार लौट करके फिर पूरा नहीं आएंगे, फिर होटलवा में रहेंगे, चल जाएंगे, उनका घर अस्थाई है क्या? अस्थाई पता होता ना कोई पत्राचार करे, यहाँ तो अस्थाई पता ही नहीं है, जो लोग आते हैं जीत के चले जाते हैं। तो अस्थाई पत्राचार के लिए, अस्थायित्व के लिए, अपने घर के बेटा के लिए एक एक वोट आप ललटेन को दीजिएगा ना, हाथ उठा करके वचन दे रहे हैं ना, हम भरोसा करें ना। तेजस्वी जी ने आप सभी मतदाता मालिकों को अपने तरफ से प्रणाम भेजा है, और नवादा पर विशेष उनको कृपा है, अब विशेष विश्वास भी है, तो आप लोग के विश्वास को हम माने ना। ये माला हम मरना हो भैया, ये माला नवादा की जनता की इज्जत आबरू है, तो आप लोग हाथ उठा के वचन दीजिए, तो आपके तरफ से कह दें, आप लोग के तरफ से है ना, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये जनता की भावना इनके साथ, इनके माले में इज्जत अब आप ही को रखना है ना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ सरवर कुशवाहा जी को आप निश्चित तौर पर जिताइएगा, हमको विश्वास अब हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन, नवादा की जनता, जिंदाबाद।